hello my dear friends my name is renjith hopefully friends you all are doing very well let's discuss ielts speaking part 1 and the topic is roads and streets let's commence with first question related to this topic roads and uh, streets that can be expected to be asked in your speaking exam that is are the roads and streets in the area where you live busy in my area the roads can be quite bustling इन माई एरिया मेरे एरिया में रोड्स कैन भी वो क्या क्वाइट वेरी बिजी होते हैं ओके इस्पेशली होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग रश आर वैन एवरी वन इज़ ट्राइंग टू गेट फ्राम वन प्लेस टू अनदर सो स्पेशली खासकर ड्यूरिंग रश आर सुबह के टाइम रश रश आर जब ज़्यादा रश होता है वैन एवरी वन जब हर कोई कोशिश कर रहा होता है रीच करने की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस Uh, को रीच करने की कोशिश कर रहा होता है आई मज से मैं कहूँगी और वीकेंड्स वीकेंड्स पे थिंग्स कम डाउन अ बिट थोड़ी सी चीज़ें शांत हो जाती है थोड़ा सा शांत शांति वाला uh, माहौल हो जाता है ओके थिंग्स कम डाउन अ बिट बट यू विल स्टिल फाइंड द स्ट्रीट्स बिजी बट स्टिल आप देखोगे कि अभी भी आप देखोगे कि स्ट्रीट्स जो हैं वो बिजी हैं एज क्योंकि बिकॉज आप बोल सकते हो जो फॉर एज़ ओके क्योंकि पीपल गो आउट टू इन्जॉय देअ फ्री टाइम बिकॉज लोग uh, क्या वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं इन्जॉय करने के लिए अपना फ्री टाइम इन्जॉय करने के लिए ना मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ हाउ डू पीपल अक्रॉस द रोड इन द सिटी वे आर यू लिव द पीपल ऑफ़ माई सिटी आर लॉ अबाइडिंग इंडिविजुअल्स जो मेरी सिटी के लोग हैं वो लॉ अबाइडिंग इंडिविजुअल्स हैं मिस कानून को मानने वाले ओके okay? ओबे uh, करने वाले रूल्स को फॉलो करने वाले हैं दे वेट फॉर द ग्रीन लाइट वो वेट करते हैं ग्रीन लाइट तक जब नहीं होती है ग्रीन लाइट तक वो वेट करते हैं बिफोर क्रॉसिंग द रोड टू अवॉइड रिस्की सिचुएशन सो ग्रीन लाइट की होने की वो इंतज़ार करते हैं वेट करते हैं बिफोर क्रॉसिंग बिफोर क्रॉसिंग क्रॉस करने से पहले द रोड रोड क्रॉस करने से पहले टू अवॉइड क्या अवॉइड करने के लिए किससे बचने के लिए रिस्की सिचुएशन से नाउ लीडिंग टू थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर सिटी ऑनेस्टली द रोड्स इन माई सिटी आर क्वाइट डिफरेंट ऑनिस्टली रोड जो है मेरी सिटी में क्वाइट डिफरेंट अलग अलग हैं सम आर स्मूथ एंड वेल मेंटेन्ड कुछ स्मूथ हैं और वेल well मेंटेन्ड अच्छी तरह से मैंटेन किए हुए मेकिंग इट ईजी टू ड्राइव और वो ईजी है वहाँ पर ड्राइव करना हाउ एवर बट मैनी रोड्स है पाथ हॉल्स एंड पम्प्स कई रोड्स पे क्या है मैंने रोड्स uh, कई रोड्स पे क्या हैं पाथहॉल्स वहाँ पे गड्ढे हैं ओके okay? ऊपर जो नीचे दसे हुए जैसे गड्ढे ओके okay? और पम्प्स ऊपर की तरफ जो हों ओके सो आनी अनिवन है वो रोड स्मूद uh, नहीं है ओके बम्प्स हैं पाथ होल्स हैं विच कैन बी क्वाइट अनोइंग वो क्या है क्वाइट अनोइंग इरीटेट करने वाले हैं जब हम वहाँ पे ड्राइव करते हैं राइड करते हैं सो so क्या अनोइड फील करते हैं इरीटेटेड फील करते हैं फ्रस्ट्रेट uh, करने वाले हैं द लोकल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू एड्रेस दीज ईश्यूज़ जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या वर्क काम कर रही है इन इशू से डील करने का काम कर रही है बट दिस प्रोसेस विल टेक टाइम बट ये वाला प्रोसेस ये क्या टाइम लेगा ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डू यू थिंक द रोड्स इन योर सिटी नीड इम्प्रूवमेंट अनजाव शर्ली इसमें कोई शक नहीं है अनजाओ शली जब फिर सर्टनली या फिर डेफिनेटली या फिर अफकोर्स एनी ऑफ दीज वर्ड्सूज है ओके जब ऑफकोर्स डाउटली इसमें कोई शक नहीं है येस अफकोर्स सम रोड्स इन माई सिटी आर इन डायर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ रोड्स इन माई सिटी मेरी सिटी में है इन डायर नीड ऑफ इन डायर नीड ऑफ इट मीनस सख्त ज़रूरत है उनको अर्जेंट नीड है किसकी इम्प्रूवमेंट की ओके okay, इम्प्रूव होने की जरूरत है दे आर अलॉट ऑफ पाथहल्स एंड क्रैक्स दैट मेक ड्राइविंग डिफ़िकल्ट वहाँ पे अलाउड ऑफ़ काफ़ी सारे पाथहॉल्स जो गड्ढे हैं क्रैक्स हैं जो कि ड्राइविंग को क्या बना देते हैं डिफ़िकल्ट मुश्किल बना देते हैं ड्यूरिंग रश आर जब रश होता है उस टाइम पे ड्यूरिंग रश आर ट्रैफिक कैन गेट रियली स्लो और जो ट्रैफिक हो जाता है वो काफ़ी स्लो स्लो पेस पे जो व्हीकल्स चलते हैं एंड फ्रस्ट्रेटिंग और फ्रस्ट्रेट करने वाला हो जाता है ओके okay? फिक्सिंग दीज रोड्स और इन रोड्स को फिक्स करना वुड हेल्प एवरी वन ट्रेवल मोर स्मूथली और इस इशू को एड्रेस करना फ़िक्स करना इन रोड्स को ये क्या हेल्प करेगा हर किसी की ट्रैवल करने में क्या ट्रैवल करने में स्मूदली इन अस्मूद वे में ट्रैवल करने में हेल्प करेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग